महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले मंत्रिमंडल को लेकर घमासान छिड़ा, फिर विभागों के बंटवारे को लेकर, और अब नई परेशानी का सबब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बन गए हैं। जब से उन्होंने महाराष्ट्र में आप सरकार की शिक्षा नीति अपनाने की पेशकश की है, तब से कांग्रेस की भौंहें चढ़ गई हैं और वो अजीत पवार समेत एनसीपी को गुस्से से देख रही है। महाराष्ट्र में पहले ही संजय राउत के बयान से महागठबंधन सरकार में कड़वाहट आ गई है कि अब डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार का ऐलान भी कांग्रेस और एनसीपी में तकरार की वजह बनता जा रहा है। दरअसल हाल ही में अजीत पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र में दिल्ली के स्कूलों की तर्ज पर एजुकेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा। यही नहीं, एनसीपी के नेता और विधायक रोहित पवार ने बाकायदा दिल्ली में जाकर न सिर्फ सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया बल्कि मनीष सिसोदिया के साथ सरकारी स्कूल में सेल्फी भी खिंचवाई। इसी तस्वीर ने कांग्रेस और एनसीपी के बीच तकरार बढ़ा दी है। अजीत पवार के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वो शिक्षा विभाग में अपनी मर्जी नहीं चला सकते। आपको बता दें कि सूबे में शिक्षा मंत्री कांग्रेसी नेता और विधायक वर्षा गायकवाड़ हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने शिक्षा मॉडल पर बयान देने से पहले वर्षा गायकवाड़ से किसी भी तरह का कोई संवाद नहीं किया। इसीलिए कांग्रेस का एक बड़ा खेमा एनसीपी से खुश नहीं है। यहाँ तक कि वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि हम हर उस राज्य से जहाँ पर एजुकेशन की पॉलिसी बहुत अच्छी है उसका अनुसरण करेंगे। कांग्रेस के नेता ने एक बार फिर दिल्ली का जिक्र नहीं किया, जिससे साफ है कि कांग्रेस और एनसीपी में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल इसकी वजह दिल्ली चुनाव है, जहां आप और कांग्रेस आमने सामने हैं। इसीलिए तो आम आदमी पार्टी अजीत पवार के बयान को लेकर उस पर तंज कस रही है। यही वजह है कि कांग्रेस को पवार के बयान से परेशानी हो रही है और ये परेशानी पॉलिटिक्स को भी गर्मा रही है, जिससे गठबंधन के भविष्य को खतरे में देखा जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।